Am I audible? Am I visible? Guys in the live, please let me know. Am I audible and am I visible? Both. Huh? Dono? Yes. Okay. Let's do this. Aap phir se shuru se bolu kya? Okay. नहीं नहीं मैं क्लास बिल्कुल भी स्क्रिप्ट करके लेके नहीं आती हूँ. जो पीपीटी आप लोग देखते हो ना मेरे सामने भी बस वही है और कुछ नहीं है. तो जो नोट्स मैं आपको दिए है वो स्क्रिप्ट है, वो आपके सामने है और वही सेम पीपीटी फॉर्मेट में मेरे सामने है. फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पीपीटी में कुछ स्लाइड्स एक्स्ट्रा है आपसे, क्योंकि विद सॉल्यूशन है मेरा पीपीटी और आपके जो नोट्स है वो विदाउट सॉल्यूशन है. सिर्फ इतना ही फर्क है मेरे पीपीटी और आपको दिए गए नोट्स में, बाकी कोई फर्क नहीं है. जो भी मैं बनाती हूँ वो मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ. ओके कल जो नोट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको दो सेट में दिए जाएंगे. एक आपको आज रात ही दिया जाएगा, तो वो मैं अनाउंस करती हूँ आज के क्लास के एंड में. ठीक है? हाँ, कल क्लास होने वाला है और ये मैं हर सैटरडे बोलती हूँ, ऐसे नहीं है, बिकॉज वी हैव नो टाइम. आई थिंक सिक्स से मैराथन कुछ है आई थिंक सो. तुम्हारा ऐसा कुछ तो प्लान तो चल रहा है, तो वी डोंट हैव मच टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर. सो आई वॉज होपिंग दैट टुमारो वी विल टेक टू लेक्चर्स ऑफ 2 आवर्स ईच. वन क्लास वी विल टेक फॉर कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड समरी, विच कम्स फॉर लाइक अ ह्यूज चंक ऑफ मार्क्स इन योर एग्जाम. So comprehension skills and summary we will do tomorrow, and another we will do whatever remains of the grammar lesson that we are going to look into today. Okay, so this is like a really huge grammar lesson. Why is it a really huge grammar lesson? Like I was telling you that in the examination the question appears in the format where a sentence is given to you, and this sentence is divided into 4 parts, A, B, C and D. And this A, B, C and D appear in the options which are given below. Okay, you have to correctly identify that part of the sentence which has an error in it. अब एक भाषा में तो अनेक एरर हो सकते हैं, राइट? तो क्लास में बच्चों को सारे एरर कैसे सिखाएंगे और स्पेशली एरर कैसे सिखाएंगे? दैट्स जस्ट वियर्ड, राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. वट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, राइट? इंग्लिश इज द क्वींस लैंग्वेज. वी आर not native speakers of English. English is a second language. What we are going to do in class is we are going to discuss the most common errors ESL speakers make while using the English language. What is ESL? English as second language learners. ठीक है? तो जो English as second language सीखते हैं वो जो commonly errors commit कर बैठते हैं वो errors से हम खुद को वाकिफ करके लेंगे. ठीक है बच्चों? इस तरीके से पेपर में जो सेंटेंसेस आएंगे उसके कौन से हिस्से में क्या एरर है ये हमें जल्दी पकड़ में आएगा. ठीक है? तो आपके मॉड्यूल में कुछ ग्रामर टॉपिक्स दिए गए हैं और कुछ सेंटेंसेस भी सैम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं. उनके बेसिस पे और इन जनरल जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरा एक्सपीरियंस है एज एन इंग्लिश टीचर, जो मुझे लगता है कि बच्चे ये एरर कॉमनली करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन एरर्स को मैं क्लास में आपको बताने वाली हूँ. एरर्स को नहीं, वो ग्रामर टॉपिक्स हम क्लास में कवर करने वाले हैं ताकि सही क्या है ये आपको मालूम होगा. तो जब एक गलत वाक्य आपकी आंखों के सामने आएगा तो आप बराबर उसे पिन पॉइंट कर पाओगी कि भाई ये हिस्से में एरर है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस विच आर दीज कॉमन एरर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच those speakers who are not native speakers of English end up making. Okay? हाँ, एक तो homonyms होते हैं. Homonyms यानी कि क्या? ऐसे शब्द जो एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन उनका meaning अलग होता है. ठीक है? अब homonym जो है उसे हम दो हिस्से में divide कर सकते हैं. एक है homophone, ph
फोन यानी कि क्या, फोन, फोनिक साउंड, ठीक है ना। तो वो सुनाई देने में एक जैसे हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा होता है होमोग्राफ, ग्राफ, ग्राफिक यानी कि स्पेलिंग, ठीक है। तो होमोग्राफ यानी कि क्या, उनका स्पेलिंग एक जैसे है लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ओके। तो इन्हें हम डिटेल में देखेंगे, होमोनिम्स को। उसके अलावा अ वेरी कॉमन एरर विच चिल्ड्रन मेक इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज टेंस। वक्त अगर मुझे भाषा में बताना है तो मैं किस तरीके से बताऊंगी, ये सोचने वाली बात है, राइट। और टेंस में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो मैंने फेस किया है बच्चों को टेंस पढ़ाते वक्त, वो ये है कि ये बच्चे स्कूल से टेंस सीख के आते हैं, पर मैम हम सीख के आए तो भारी है ना, आप सिर्फ रिवाइज करा दो हमारा। लेकिन बच्चों जब आप टेंस पहली बार सीखते हो तो आपको आपका टीचर ये बता नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि अगर आपके दिमाग में एक ख्याल है और उस ख्याल का आपको वाक्य में बनाना है, तो उस ख्याल का वक्त पहचान के उसके मुताबिक उस क्रियापद को कैसे कॉन्जुगेट करके वाक्य बनाना है, ये टीचर्स अनफॉर्चुनेटली स्कूल में सिखा नहीं रहे हैं। वो डायरेक्टली ये सिखाते हैं कि जो वर्ब है वो टेंस बताता है, और वो वर्ब को देखो इस तरीके से आपको कॉन्जुगेट करना है तो टेंस चेंज हो जाता है ना। बच्चे यही बोलते हैं ना, वी वन होता है, वी टू होता है, वी थ्री होता है ना, वी यानी कि वर्ब। तो ये तो मुझे तो ये तरीका पता भी नहीं था, लाइक आफ्टर आई स्टार्टेड टीचिंग चिल्ड्रन हैड दीज टेबल्स मेड फॉर टेंस एंड देन दे वुड से दिस इज हाउ वी कॉन्जुगेट द वर्ब, दिस इज हाउ वी लर्न टेंस, एंड इट वॉज क्वाइट फ्लाबरगास्टिंग फॉर मी कि ओ ऐसे करते हैं क्या, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ टेंस इज टॉट, टेंस वॉज टॉट टू मी और टेंस इज टॉट। आई विल शो यू टूडे इन क्लास हाउ टेंस इज टॉट। मैम वर्ब आइडेंटिफाई करके उसे कॉन्जुगेट करना नहीं है क्या, करना है, लेकिन वर्ब का कॉन्जुगेशन जो है वो टेंस का एक बहुत ही बेसिक हिस्सा है जो टेंस का सेंटर है भी नहीं। तो टेंस को सेंट्रल क्या है ये हम आज क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू द यूसेज ऑफ करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंस। व्हेन डू यू यूज अ, व्हेन डू यू यूज एन, व्हेन डू यू यूज द, ओके। These are important factors and these are very, what do you say, subtle errors in the language, right? So, in an examination, if a sentence is given to you, which on the face of it seems perfectly fine, you should ask yourself, yaar, ekhad article idhar ka udhar hoga, aur ye hume fasane ki koshish kar rahe hai usme. To article ke liye check karo, sentence, right? A and the correctly use kiya hai, nahi kiya hai. ऐसे ही सटल, सटल यानी कि क्या, एस यू बी टी एल ई, सटल, ये शब्द का अर्थ क्या है कि एक ऐसा माइनर चेंज जो इजीली ध्यान में नहीं आता है उसे कहते हैं सटल चेंज, ठीक है। सटल एरर, एक ऐसा एरर जो इजीली हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, राइट। तो वाक्य हम पढ़ रहे हमें लग रहा है यार सब कुछ ही सही है, कहाँ एरर है इसमें, तो हम नो एरर टिक कर बैठते हैं। डो नॉट डू दैट, 90% चांस देयर विल बी एन एरर। Look for error in articles. Another very very common error in the English language, which is very subtle, not at all easily noticeable, is an error in prepositions. Okay, preposition, बच्चे solid गलती कर बैठते हैं इसमें, तो वो हम देखेंगे क्लास में, ठीक है। इसके अलावा भी दो टॉपिक है जो मैं कवर करना चाहती हूँ इस most common errors in English language के तहत। One is usage of idioms, right? Usage of idioms is very interesting. Why? Because idioms do not derive meaning from the words that form the idiom. Okay? For example, it's raining cats and dogs. If you literally look at that idiom, it is raining. Pause hota hai. Cats and dogs. Arre kutte billiyon ki barsaat kaise ho sakti hai? Wo idiom ko uska meaning jo hai, uske individual words se nahi aata hai. वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस कॉन्टेक्स्ट में ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया है। किस कॉन्टेक्स्ट में, बहुत जोरदार बारिश हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये फ्रेज बार बार कुछ वक्त तक इस्तेमाल किया गया और उसके बाद वो भाषा का हिस्सा बन गया। यू आर राइट, द इंडिविजुअल वर्ड्स मेक नो सेंस इफ यू कंपेयर इट टू द एक्चुअल मीनिंग दैट इज देयर इन द लैंग्वेज।
यूसेज से मीनिंग जिसको आता है वो इडियम है। तो हम साथ में कुछ ऐसे इडियम्स देखेंगे जो लैंग्वेज में बहुत से बार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इडियम्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, हाउ डिड दे कम इन टू बीइंग, ऑल ऑफ दिस वी विल लुक इन टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक इडियम मैं आपको बताती हूँ, टू बाइट द बुलेट। ओके, बाइट द बुलेट ये जो इडियम है इसका मतलब होता है किसी बहुत ही कठिन काम को या फिर बहुत ज्यादा दर्द को सहन कर जाना किसी चीज को हासिल करने के लिए। ये जो इडियम है टू बाइट द बुलेट इसका मतलब ये होता है कि किसी बहुत ही कठिन काम को जिससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है उसे आप कर जाना, क्योंकि उसके बाद जो मंजिल है वो ज्यादा जरूरी है इसलिए। ठीक है, तो टू बाइट द बुलेट का ये ऐसा मतलब कैसे आया, उसका एक हिस्ट्री है, उसका ओरिजिन है, उसका एक स्टोरी है। अगर वो स्टोरी आपको पता होगा ना, देन द मीनिंग विल मेक कंप्लीट सेंस टू यू। अभी जो आपको ऐसे लग रहा है ना कि यार दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, दिस सेट ऑफ वर्ड्स दिस मीनिंग, कसा अर्थ लगता है, असा वाटता है आता। लिसन टू द स्टोरी, जब वर्ल्ड वॉर्स हुए ना, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, तो बहुत से बार जो सोल्जर्स है उन्हें उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो है बुलेट वून्ड्स हो जाते थे। जब ऐसे वून्ड्स हो जाते थे या बॉम्ब से उनको कोई इंजरी हो जाता था, ठीक है ना, ऐसे हालातों में बिना किसी प्रॉपर सर्जरी के, एम्बियंस के बिना उनका सर्जरी करना पड़ता था। इन हालातों में उन सोल्जर्स को अनेस्थेशिया देने का कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। जब हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हम हमारे दांत को ऐसे ये करते हैं, राइट? तो अगर हम किसी के बॉडी पार्ट पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्ट करने वाले बिना अनेस्थेशिया के, तो देर इज अ हाई चांस दैट दिस वूंडेड सोल्जर विल एंड अप बाइटिंग हिज टंग ऑफ। सो टू प्रोटेक्ट द टंग फ्रॉम बीइंग बिटन ऑफ, दिस सोल्जर्स विल एक्चुअली बी गिवन बुलेट्स एंड दे वुड बी आस्क्ड टू बाइट द बुलेट, सो दैट द बुलेट गेट्स बिटन एंड द टंग इज प्रिजर्व्ड, बट इमेजिन द पेन दैट द पर्सन एंड्योर्स, राइट? ऐसा स्टोरी है उसका। तो वो जो वॉर का एक फेज था उसमें से ये इडियम आया है टू बाइट द बुलेट। तो कोई अगर बहुत ही मुश्किल काम कर रहा है इसलिए, क्योंकि वो सर्जिकल प्रोसीजर बिना एनेस्थेशिया के तभी करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बॉडी पार्ट तभी के तभी एम्प्यूटेट नहीं किया तो वो इन्फेक्शन फैलते जाएगा, राइट? और सपोज यहाँ पे लगाए तो मेरा पाम कट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पूरे हाथ को फिर कट करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा देर तक इन्फेक्शन फैला, जहर फैला, तो फिर मैं मर जाऊंगी, राइट? तो तब भी वो करना जरूरी है। सो दैट इज वेयर द इडियम टू बाइट द बुलेट कम्स फ्रॉम। सो इडियम्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू टुगेदर। ओके, आर वी गुड? इसके अलावा ना हम क्वेश्चन टैग करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे, ठीक है? आर वी गुड? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी जस्ट टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड स्पीक अबाउट टुमोरो स्केड्यूल। ओके, सो लाइक आई सेड, टुमोरो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास, दैट इज द फर्स्ट लेक्चर विच आई एम गोइंग टू टेक फॉर 2 आवर्स, आई विल बी कवरिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, एंड इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ 2 आवर्स विच आई विल बी टेकिंग, आई विल कवर वॉट एवर रिमेन्स ऑफ द ग्रामर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टूडे। इट्स ऑलरेडी 5:40 टूडे, आई डोंट नो हाउ मच ग्राउंड वी विल बी एबल टू कवर। ओके, बट आई थिंक दैट होमोनिम्स जो है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो वो करने के लिए तो वक्त है हमारे पास। तो शैल वी फिनिश होमोनिम्स टूडे? इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। ओके, शैल वी डू दैट? आर वी गुड? हे आमिर, आमिर माई डियर, वी देर इज अ फिजिकल क्लास विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, आई हैव स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी, सो या यू कैन कम फॉर द फिजिकल क्लास इफ यू वॉन्ट टू। हे प्रेरणा, हाय।
थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड. वो मेरी सीए की बच्ची है प्रेरणा, और उसको मैंने टेंस सिखाया था, सो शी इज सेइंग दैट शी इज रियली गुड एट टेंस नाउ. थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू फॉर द शाउट आउट ओवर हियर. ओके ओके गाइस, लेट्स डू दिस वेरी वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ होमोनिम्स. ओके, शैल वी डू दैट? एक सेकेंड. ओके फ्रेंड्स, इज दिस स्लाइड विजिबल टू यू? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? ROD रोड, वो जो है वो RIDE राइड का पास्ट टेंस फॉर्म है, यानी कि गाड़ी चलाना, राइट? और नीचे ROAD रोड जो है उसका मतलब है रास्ता, राइट? सो दीज आर बेसिकली होमोनिम्स, जो एक जैसे लगते तो है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो काफी अलग होता है. ठीक है, लुक एट दिस. इन रिटन इंग्लिश इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड यू वॉन्ट टू यूज. ROAD रोड बोलने की जगह गलती से अगर आप RODE लिख देते हो तो उसका मतलब ही बदल जाता है. एक तो मतलब बदल जाता है या फिर वो वियर्ड लगता है वाक्य, राइट? इन रिटन इंग्लिश इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड यू वॉन्ट टू यूज. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट वॉन्ट टू राइट वीक, दैट इज कमजोर वाला वीक, वेन यू मीन वीक, यानी कि हफ्ता, राइट? इवन दो दे साउंड द सेम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो WEAK के वीक मीन्स कमजोर एंड WEEK के वीक मीन्स हफ्ता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो बोथ दीज वर्ड्स सो दैट इवन अ सटल स्पेलिंग मिस्टेक डजेंट कॉज अ चेंज इन मीनिंग. ओके, स्पेलिंग इज लेस इंपॉर्टेंट बट प्रोनंसिएशन इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट द वे लेड, विच कैन बी प्रोनाउंस्ड एज लेड और लीड. ओके, वो LEED लीड स्पेलिंग नहीं है, प्रोनंसिएशन है, ठीक है ना? हाँ, थिंक अबाउट द वर्ड LEAD, इट कैन बी प्रोनाउंस्ड इन टू वेज. वन, यू कैन प्रोनाउंस इट एज लेड. ओके, आई लेड द क्लास, ठीक है, आई लेड द स्टूडेंट्स आउटसाइड, ठीक है. लीड, आई एम लीडिंग द क्लास, एज अ टीचर आई एम लीडिंग द क्लास, ठीक है. तो ये दोनों में फर्क है ना, लेड और लीड. तो आप देख सकते हैं, स्पेलिंग इज लेस इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज वर्ड्स कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. इट्स वेल वर्थ स्पेंडिंग अ फ्यू मिनट्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. बिकॉज दीज वर्ड्स कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, वी आर गोइंग टू लुक इन टू ईच ऑफ दीज इन डिटेल. आर वी गुड? शैल वी डू दैट? ओके एवरी वन, आर वी गुड? ओके, लेट्स लुक एट होमोनिम्स. व्हाट आर होमोनिम्स? ओके, होमोनिम्स आर वर्ड्स विच साउंड अलाइक. ध्यान दो, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अटेंशन. एक तो स्लाइड की तरफ ध्यान दो, या फिर जो आपके प्रिंटेड नोट्स है उसकी तरफ ध्यान दो, और जो भी मैंने हाईलाइट किया है स्लाइड पे, प्लीज आप आपके प्रिंटेड नोट्स में उन्हें हाईलाइट कीजिए, ठीक है, ताकि बाद में जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी. अब भी आया ना एग्जाम अपना, ठीक है, और अभी जब हम ये क्लास में पढ़ रहे हैं तो प्लीज गिव मी योर एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अटेंशन. अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अभी कोई सेल्फ स्टडी वगैरह का स्कोप है ऐसे सोचना ही नहीं है. ओके, वी आर डूइंग दिस टुगेदर फर्स्टली एंड लास्टली, एंड यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम. ओके, होमोनिम्स आर वर्ड्स विच साउंड अलाइक और आर स्पेल्ड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है. सो दे कैन साउंड अलाइक, जैसे कि हमने देखा वीक और वीक, WEAK वीक, WEEK वीक, दे साउंड अलाइक.
और आर स्पेल्ड अलाइक, फॉर एग्जाम्पल आर ई ए डी रीड, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द बुक, ठीक है। आई रेड, आर ई ए डी, सेम स्पेलिंग है रीड के पास्ट टेंस फॉर्म का भी। आई रेड अ बुक यस्टरडे बिफोर बेड टाइम, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है ना, दे स्पेल्ड ऑल्सो अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। वन मीन्स आई एम आर वन टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द बुक मीन्स हियर राइट नाउ आई हैव आस्क्ड यू टू रीड, एंड आई रेड अ बुक यस्टरडे बिफोर बेड टाइम इज द पास्ट टेंस फॉर्म। दोनों आर ई ए डी सेम स्पेलिंग है, लेकिन एक को रीड प्रोनाउंस किया जाता है, दूसरे को रेड प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये जो सटल डिफरेंसेस है ये आपको पता होना चाहिए। इन अ स्ट्रिक्ट सेंस अ होमोनिम इज अ वर्ड दैट बोथ साउंड्स एंड स्पेल्ड द सेम एज अनदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, लाई विच कैन मीन नॉट ट्रू, लाई विच कैन मीन नॉट ट्रू, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नो, राइट। बट लुक एट द अदर मीनिंग, हॉरिजॉन्टल और रेस्टिंग पोजिशन, आई वॉज रियली टायर्ड सो आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन ओके फॉर अ वाइल। ऐसे जब मैं बोलती हूँ, देयर लाई मीन्स हॉरिजॉन्टल और रेस्टिंग पोजिशन, राइट। और एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए ट्रेन, इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक प्रशिक्षण लेना, ट्रेनिंग करना, जिम जाके ट्रेनिंग करते हो आप जो वो। Who is this? I removed. Okay. Don't get distracted. Stupid trolls. Huh? Sorry? Yeah, I'll do it. For now, I have removed him from the chat. Let's continue the class. Later on, if he comes again, we will block him. Okay? ओके एनी वे, हाँ वॉट वॉज आई टॉकिंग अबाउट, हाँ होमोनिम, राइट। ट्रेन इज ऑल्सो अ होमोनिम, इजंट इट। तो अगर आप ट्रेन ये शब्द की तरफ देखेंगे तो ट्रेन का दो मतलब हो सकता है, एक प्रशिक्षण लेना, जो जिम जाके आप ट्रेनिंग करते हो, जो अभी यहाँ पे आप लोग इंग्लिश की ट्रेनिंग ले रहे हो, राइट, प्रशिक्षण करना। एंड अनदर मीनिंग इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। सो यू कैन सी दीज वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल लाई, ट्रेन, दे आर pronounced the same way, they have the same spelling, then how does the meaning, they have different meaning depending on the context. Are we good? Do you understand homonyms? Homonyms के दो parts होते हैं, homophones और homographs, वो हम देखेंगे। उससे पहले आप please ये exercise solve कीजिए। 12 sentences है आपके सामने, 12 minutes है, एक वाक्य को एक मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपके सामने प्रिंट आउट है तो ये करना आपके लिए आसान होगा। चलो फटाफट करो। Do not discuss, do it individually, do it individually। कैसे होता है, एक व्यक्ति जहां कम पड़ता है वहां दूसरा पूरा करता है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कितना पानी में है। डू इट इंडिविजुअली, कम ऑन। बाय प्रेरणा, थैंक यू फॉर कमिंग।
ए दिया है उन्होंने देखो टेलिंग अ लाई, बी दिया है उन्होंने बीइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन, तो कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करना है? आई होप यू आर नॉट लाइंग टू मी, यहाँ पे लाइंग का मीनिंग टेलिंग अ लाई है या बीइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन है? ईशु बोलना। हाँ 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 उन दोनों का स्पेलिंग सेम होगा लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हाँ चलो फटाफट करो। चलो फटाफट सॉल्व करो, बातें मत करो आपस में। सॉरी, हरे कृष्णा। एक मिनट, हो गया क्या आप लोगों का? आई थिंक अवनी यू आर राइट। Shall we discuss? Are we good? Okay. Okay. Absolute silence in the class. Come on, let's look at the solution. Finish this off. सारे 12 हो गए क्या बच्चों? ऑनलाइन बच्चे पहले 6 का आंसर दे रहे हैं, बाकी का जम रहा है क्या? गो ऑन, फिनिश इट ऑफ, सारे 12 करो करो। 12 sentences are there in total. Are you done with all 12? Okay. Let's discuss. I hope you are not lying to me. अब जब हम बोलते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझसे lying नहीं कर रहे हो, तो वहां पे lying का मतलब क्या है? कोई मुझे कर रहा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो लेटा हुआ है आराम फरमा रहा है, झूठ बोल रहा है, right? So the first lying means झूठ बोलना। द सेकेंड वन, माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, ऐसे ही पड़े हुए है, तो पड़े हुए होना, दैट इज द सेकेंड मीनिंग। सो वन विल बी ए, टू विल बी बी। ओके, आई थिंक अवनी गॉट इट राइट, साक्षी गॉट इट राइट।
Atul also got it right. Even Abhinav got it right. Okay, cool. I think most of you have got this right, na? Itna difficult nahi tha na? We are good, right? Are we good? Haan. Second. Ye dekho. Teesra dekho. The kids are going to watch TV tonight. What time is it? I have to set my watch. अब एक वॉच का मतलब है देखना, ठीक है, और दूसरा वॉच का मतलब है घड़ियाल जो मेरे हाथ पे है, ठीक है. तो पहला वॉच जो है दैट इज बी टू लुक एट एंड सेकेंड वन इज स्मॉल क्लॉक वॉन ऑन द रिस्ट. आर वी गुड? हाँ. नेक्स्ट देखो, विच पेज इज द होमवर्क ऑन? प्लीज पेज द डॉक्टर इफ यू नीड हेल्प. अब ये जो पेज है, आजकल मुझे नहीं पता कितने लोग पेजर पहनते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स है स्पेशली मेडिकल फील्ड के, वो पेजर पहनते थे. उन्हें पेशेंट नंबर और रूम जो है इमरजेंसी के वक्त उनके पेजर पे भेज दिया जाता था एंड दे वुड कम रशिंग ओवर देयर. तो बिफोर मोबाइल वाला इन्वेंशन है पेजर. आज की डेट में वो कितना यूज होता है मुझे पता नहीं, बट ठीक है. सो टू पेज समवन मीन्स टू सेंड समवन एन इमरजेंसी मैसेज. ओके, प्लीज पेज द डॉक्टर इफ यू नीड हेल्प. सो टू पेज जब बोलते हैं तो इट इज टू कॉल समवन ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक पेजर. इलेक्ट्रॉनिक पेजर इज अ डिवाइस. ओके, एंड विच पेज इज द होमवर्क ऑन, यानी कि क्या कौन से पेज पे है, कोणत्या पानावर है ते, जब अपन मराठीत बोलतो. ठीक है, आर वी गुड? हाँ. लेट्स प्ले सॉकर आफ्टर स्कूल. द ऑथर रोट अ प्ले. तो यहाँ पे दो प्ले है, एक प्ले यानी कि खेलना और दूसरा प्ले यानी कि नाटक, राइट? हाँ. तो आप देख सकते हैं स्पेलिंग सेम है, वर्ड सेम है, सब सेम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसका मीनिंग चेंज हो रहा है. आउच, द मॉस्किटो बिट मी. आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इन माई टी. तो एक जगह बिट यानी कि क्या, मुझे मच्छर ने काटा, और दूसरी जगह यार चीनी कम डालना मेरे चाय में. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेम वर्ड सेम तरीके से प्रोनाउंस होता है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है. माई रैबिट्स आर इन अ पेन आउटसाइड, प्लीज साइन दिस फॉर्म विद अ ब्लैक पेन. तो रैबिट्स को जिन जिस घर में रख, यू नो लाइक द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, टू ड्वेल इज टू लिव, टू स्टे. द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग ऑफ अ रैबिट इज कॉल्ड अ पेन. जैसे पिग्स का स्टाई होता है STY स्टाई, वैसे रैबिट्स का पेन होता है. ठीक है, तो एक पिग्स की रहने की जगह, एक रैबिट्स की रहने की जगह, ठीक है, और दूसरा जो कलम हम इस्तेमाल करते हैं वो. ठीक है, सो माई रैबिट्स आर इन अ पेन आउटसाइड वुड बी बी, एंड प्लीज साइन दिस फॉर्म विद अ ब्लैक पेन वुड बी ए. आर वी गुड? डिड एवरीवन गेट दिस राइट? कोई सीन नहीं है ना इसमें? वी आर गुड राइट? हाँ, चलो फटाफट ये एक्सरसाइज सॉल्व करो. बिल्कुल बात नहीं करना है आपस में. सेकेंड एक्सरसाइज है. अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया है क्या करना है, कैसे करना है. चलो फटाफट करो यार. तुम लाइव के बच्चों का ना ये फायदा है एक्चुअली, बिकॉज दे आर अलोन, सो दे विल बी एबल टू डू इट मोर इंडिविजुअली देन यू गाइज. डोंट टॉक अमंगस्ट ईच अदर, क्योंकि यही प्रॉब्लम है. तू जहां कम पड़ेगा वहां तू उसको भरपाई करेगा, तू जहां कम पड़ेगा तू भरपाई करेगा, तुझे फिर पता ही नहीं चलेगा कि तू कहां कम पड़ रहा है. वो एक सिनर्जी होता है ना लाइव क्लास में. हाँ, सो इट वर्क्स आउट फॉर यू, ही बैलेंसेस यू आउट. दैट्स नॉट गुड इन द लर्निंग प्रोसेस. कम ऑन, फिनिश इट ऑफ फास्ट. देखो बच्चों, ऐसे मत सोचो कि मैम कितना प्रैक्टिस ले रहे हैं, समझ में आ गया टॉपिक, आगे जाओ. नहीं बच्चों, ये डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इतना प्रैक्टिस ले रही हूं. मैं चाहती हूँ कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आगे बढ़े, राइट? एंड टाइम नहीं है आपके पास खुद से प्रैक्टिस करने को बहुत ज्यादा. होता तो मैं छोड़ देती. ओके, प्लीज गाइज बी विथ मी. कम ऑन, फिनिश दिस ऑफ. आई होप एवरी वन इज डूइंग एक्सरसाइज टू. माई चिल्ड्रेन हु आर ऑनलाइन, प्लीज लेट मी नो किड्स. Are we good?
यू साक्षी, थैंक यू अवनी, थैंक्स वंशिका, कम ऑन डू इट, फिनिश इट ऑफ। पहला वाला सॉल्व करके बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? वी आर गुड, क्या हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है? बेटा मैं बताती हूँ आपको, इधर आ जाओ, मैं बताती हूँ आपको, सच में इधर आ जाओ। यहाँ पे देखो, पहला वाक्य है द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। ठीक है, ब्लो करना यानी कि, हाँ तो यहाँ पे ये विंड का मीनिंग क्या है? हवा। गुड, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मूविंग एयर, ऑप्शन बी है टर्न द स्टेम। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा यहाँ पे, ए होगा या बी होगा? ए, तो यहाँ पे आप बी को कट कर दीजिए, ए आपका आंसर है। ठीक है, आई हैव टू वाइंड माई क्लॉक। वाइंड करना यानी कि वो जो चाबी लगाते हैं ना उसे बोलते हैं, ताकि अलार्म सही तरीके से सुबह बजे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मूविंग एयर या टर्न द स्टेम? टर्न द स्टेम, वो जो घड़ी का जो लंबा वाला हाथ होता है वो स्टेम है, उसे आप घुमाते हो ना, वो टाइम क्लॉक को बताने के लिए कौन से टाइम पे बजना है उसको, राइट? जो अभी तो क्या सब डिजिटल है, लेकिन पहले वो एनालॉग वाले क्लॉक हुआ करते थे ना। हाँ, तो वहां पे इसलिए वो टर्न द स्टेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन कर देना, बी आपका आंसर है। ठीक है, हाँ चलो फटाफट कर दो सारे। मैन अभिनव, यू आर रियली फास्ट, सो इज लोपामुद्रा एक्चुअली। डोंट डिस्कस एंड सॉल्व, सॉल्व इंडिविजुअली। ऑल 12 डन, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, शैल वी डू दिस? ओके, लेट्स डिस्कस, कम ऑन। आप लोग कहाँ पे हो, कितने पे हो? हाँ ओके, गो ऑन, फिनिश इट ऑफ। हाँ मैं बताती हूँ ना, सारे ही बताती हूँ। शैल वी प्रोसीड, लेट्स डिस्कस। ओके, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। ठीक है, तो वहां पे वो ब्लोइंग वर्ब जो है, क्रियापद जो है, उससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो विंड है वो हवा की बात हो रही है। तो वहां पे ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई हैव टू वाइंड माई क्लॉक। आजकल तो सब जगह डिजिटल हो गया है, लेकिन पहले जब एनालॉग हुआ करता था तो घड़ी का जो लंबा वाला सुई है उसको घुमा के तुम्हें टाइम पे लाके रखना होता था, ताकि तुम्हारे क्लॉक को पता चले कि उस टाइम पे बजना है अलार्म क्लॉक को, राइट? दैट इज टू वाइंड द क्लॉक। ओके, आई हैव टू वाइंड माई क्लॉक। हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, टू टर्न द स्टेम और द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक। ओके, आई होप यू गॉट दिस राइट। द सिंगर मेड अ लो बो टू द ऑडियंस, यानी कि क्या, उसका जो गायकी है उसका कार्यक्रम होने के बाद
डुक अ बो राइट झुकना. डुक एट दिस नेक्स्ट वन. मारिया प्लेस्ड अ रेड बो ऑन द बर्थडे गिफ्ट. यानी कि क्या रिबन से जो बो बनाया जाता है वो. तो जो थर्ड वाक्य है वहां पे करेक्ट ऑप्शन है बी और जो फोर्थ वाक्य है वहां करेक्ट ऑप्शन है ए. ओके आर वी गुड. हाँ ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. राम रंग आई मिस यू. ही इज नॉट प्रेजेंट ना. ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. राम रंग नहीं है आज यहाँ पे. द बॉस विल प्रेजेंट द अवार्ड एट 10. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे में प्रेजेंट यानी कि सब यहाँ मौजूद है. तो देयर द करेक्ट आंसर इज ए. एंड द बॉस विल प्रेजेंट करना यानी कि किसी को देना प्रेजेंट द अवार्ड एट 10. देयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. आर वी गुड. डू यू अंडरस्टैंड. ओके नेक्स्ट वन. प्लीज क्लोज द डोर. द बॉय सैट क्लोज टू हिज अंकल. तो पहले इसमें आप देख सकते हो बहुत ही जाहिर सा मतलब है उसका कि दरवाजा जो है वो बंद किया जाए. और दूसरे इसमें भी आप देख सकते हो ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है क्लोज यानी कि किसी के करीब होना राइट. सो द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज सेवेंथ सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस ऑन द स्लाइड. द सेवेंथ सेंटेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड फॉर द एथ सेंटेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके लुक एट द नाइन्थ वन. द रोप वॉज वाउंड अराउंड हिज एंकल्स. जो उसकी एड़ी है उसके इर्द गिर्द रोप जो है वो वाउंड किया गया था. द सोल्जर रिसीव्ड अ वूंड इन द बैटल. वूंड यानी कि क्या चोट या घाव लग जाना. तो आप देख सकते हो द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस 9 इज ए एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस 10 इज बी. ओके आर वी गुड. If anyone has any query from my students who are live, please ask me in the chat box. I'll clear it to you. I don't know if I will live or die. जीना और मरने का सवाल है. Last night I saw the band play live in the concert. For example, you guys are listening to me virtually, but the kids here in the class are watching me live, right? हाँ. Lecture is also वैसे live only, simultaneously जा रहा है तो है कि नहीं. So you can say we are live. Haan, it's not the same as physical, but theek hai. Theek hai? Are we good? Do you understand? So that's the difference between live and live. So the correct option for 11th sentence is A and the correct option for 12th sentence is B. Are we good? Samajh mein hai aapko? Okay. Ye tha hamara discussion homonyms pe. Yahan pe aapne dekha, word same hai. स्पेलिंग सेम है कई जगह पे प्रोनंसिएशन भी सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. तो उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के समझ के यहाँ पे इस शब्द का कौन सा अर्थ इस्तेमाल करना है ये मुझे सोचना पड़ेगा. उसके बाद ही मैं करेक्ट मीनिंग डिराइव कर पाऊंगी. तो आप देख सकते हो ICSI के लिए ये कितना अच्छा चांस है आपके मार्क्स गाने का राइट. ये होमोनिम्स डाल दो वाक्य में बच्चे ऐसे मार्क्स गवाएंगे ठीक है. पर मेरे बच्चे नहीं गवाएंगे. इतना जो मैंने किया है क्लास में 24 सेंटेंसेस अभी प्रैक्टिस में सॉल्व किया आप लोगों ने है कि नहीं. इसके अलावा अगर आप मॉड्यूल भी कवर कर लेते हो तो काफी है ऐसे मुझे लगता है ठीक है. स्पॉट द एरर में अगर कोई होमोनिम इस्तेमाल किया गया है गलत. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज 1 week लेट टू ऑफिस. ऐसे अगर सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया है लेकिन WEE के वीक के जगह WEAK वीक इस्तेमाल किया है तो वो एरर है. ये आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे ऐसे मेरी उम्मीद है. आर वी गुड. डू यू अंडरस्टैंड. वी आर गुड. ओके हाँ अगले हिस्से की तरफ जाते हैं. होमोफोन्स. फोन फोनिक यानी कि साउंड ठीक है. तो ये क्या होते हैं देखते हैं. इन लूज टर्म्स बोथ होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स आर काइंड ऑफ होमोनिम्स. वही मैंने बोला ना होमोनिम के दो टाइप है होमोफोन और होमोग्राफ ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देन दैन. देन इज एन एडवर्ब यूज टू डिस्क्राइब वेयर समथिंग फिट्स इन टू इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. वी एट डिनर देन वी वेंट मिनी गोल्फिंग. यानी कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहा है. पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ ठीक है. तो देन THEN देन कब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको बताना है
ये एक पर्टिकुलर इवेंट इन सीरीज ऑफ इवेंट में एग्जैक्टली कब हुआ, ये जब आपको बताना होता है तब आप देन इस्तेमाल करते हैं। देन आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको दो चीजों में कंपैरिजन करना है और बोलना है ये इससे बेहतर है। देन इज अ कंजंक्शन और प्रेपोजिशन यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। माई डॉग इज बिगर देन हिज डॉग, ठीक है, मेरा कुत्ता जो है वो उसके कुत्ते से बड़ा लगता है, राइट। सो दैट इज वेयर देन इज यूज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देन एंड देन दे साउंड सिमिलर, होमोफोन, होमो सेम, फोन फोनिक यानी साउंड, वो एक जैसे साउंड करते हैं, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो उनका स्पेलिंग अलग अलग है, राइट, उनका स्पेलिंग अलग अलग है। एकदम कॉन्टेक्स्ट से इसका मीनिंग डिराइव करने की जरूरत नहीं है, उसका स्पेलिंग अलग अलग है ये आपको दिख जाएगा, लेकिन वो साउंड सेम करते हैं इसलिए वो होमोफोन्स है, ठीक है। तो आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये देखो टू टू एंड टू, ठीक है, एक तो पहला वाला टू, टी ओ टू वाला टू, वो एक प्रेपोजिशन है, वो बताता है हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, राइट। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई केम फ्रॉम द मार्केट विच आई वेंट टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू है वो ये बताता है, टू इज अ प्रेपोजिशन और एन इन्फिनिटिव मार्कर। इन्फिनिटिव मार्कर यानी कि क्या, वर्ब जब उसके रूट फॉर्म में होता है तो ये जो टी ओ टू है वो वर्ब के साथ अपियर होता है। फॉर एग्जाम्पल टू ड्रिंक, टू रन, टू प्ले, इसमें कॉमन क्या है, जो क्रियापद है उसके बेस फॉर्म में, कुछ भी कॉन्जुगेशन नहीं है उसको, ई डी टी एन आई एन जी कुछ भी नहीं है, बेस फॉर्म में है वो वर्ब। तो उसके साथ जो टी ओ टू आता है वो टी ओ टू वाला टू होता है, वो टी ओ ओ टू नहीं होता है, टी डब्ल्यू ओ टू नहीं होता है। टी ओ ओ वाला जो टू होता है वो इंटेंसिटी बताता है, ओके हाँ, इट्स टू मच जब तुम बोलते हो तब टी डबल ओ वाला टू होता है, ठीक है, और टी डब्ल्यू ओ टू यानी कि नंबर, ठीक है। हाँ एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, देखो टू इज अ प्रेपोजिशन, इन्फिनिटिव मार्कर और एन एडवर्ब दैट इंडिकेट्स मूवमेंट और दैट द वर्ब इज बीइंग यूज्ड इन द इन्फिनिटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल दे वेंट टू द मॉल, वो मॉल को गए, तो वो को जो है वो टी ओ टू है। आईड लाइक टू ऑर्डर अ पिज्जा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर जो वर्ब है वो उसके रूट फॉर्म में है, तो उसके साथ टी ओ टू आया हुआ है, ठीक है, तो टी ओ टू का यही काम होता है। अब देखते हैं टी ओ ओ टू कहाँ होता है, जैसे कि मैंने बोला वो इंटेंसिटी दर्शाता है। टी डब्ल ओ इज एन एडवर्ब एंड कैन इंडिकेट दैट समथिंग इज एक्सेसिव और दैट समथिंग इज हैपनिंग इन एडिशन टू अनदर थिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल द म्यूजिक वॉज वे टू लाउड, ओके, यानी कि बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, राइट। माई सिस्टर वॉन्टेड सम कैंडी टू, यानी कि मेरी बहन के पास ऑलरेडी कुछ है लेकिन उसको कैंडी भी चाहिए था, तो वो जो भी है दैट इज टी डब्ल ओ टू, ठीक है। तो एक तो वो इंटेंसिटी बताता है या फिर ये भी बताता है, आर वी गुड, हाँ। और उसके अलावा टी डब्ल्यू ओ टू अपना वाला नंबर, ठीक है, हाँ। टी डब्ल्यू ओ टू इज द नंबर दैट फॉल्स बिटवीन वन एंड थ्री। अब ये मैंने क्यों बताया है मुझे मत पूछो। सो आई ब्रॉट माई सिस्टर टू पैक्स ऑफ गमी वर्म्स। गमी वर्म्स आर कैंडीज, ओके, जस्ट टू बी क्लियर, हाँ, वो कैंडीज नहीं होते, शुगर कैंडीज, हाँ, वर्म्स के जैसे कलरफुल कलरफुल होते हैं वो, हाँ, उसको गमी वर्म्स बोलते हैं। गमी वर्म्स आर रियली टेस्टी, ओके। आर वी गुड, डिड यू गेट होमोफोन्स, दीज आर इंटरेस्टिंग, राइट, ओके। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स देन। देर देर एंड देर, ठीक है, एक तो देर यानी कि क्या, टी एच ई आर ई देर यानी कि उधर, ठीक है, टी एच ई आई आर देर यानी कि क्या, उनका, ठीक है, एंड दे आर यानी कि टी एच ई वाई ए आर ई देर, ओके, यानी कि क्या, दे आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग, यानी कि वो कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, तो उनकी क्रिया बताने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, देर इज एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ लोकेशन और पोजिशन। आई एम एक्साइटेड टू विजिट न्यूयॉर्क अगेन एज आई हैवंट बीन देर इन ऑलमोस्ट अ ईयर, ठीक है, तो लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टी एच ई आर ई देर। टी एच ई आई आर देर इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। द स्टूडेंट्स वोटेड फॉर डिज्नी वर्ल्ड एज देयर ग्रेजुएशन ट्रिप, उनका ग्रेजुएशन ट्रिप, उनको डिज्नीलैंड चाहिए था, उनका पोजेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टी एच ई आई आर देर।
TheyRe, यानी कि Theyare, ठीक है, उनको क्लब किया है. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स दे एंड आर. द पार्क इज ओवररन विद डक्स. दे आर एवरीवेयर. सो दे आर एवरीवेयर, सब जगह होने की क्रिया वो कर रहे हैं, ऐसे बताने के लिए वो इस्तेमाल किया गया है. आर वी गुड? समझ में आ रहा है ना? डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना? कूल ना? वील डू दिस ना? ओके फाइन. और एक देख लो यार, मतलब मुझे ना दिल को तसल्ली नहीं आ रही थी. मैंने इतने सारे एग्जाम्पल डाल दिए, पर ठीक है ना, उतना आपका रिवाइज मेरे साथ हो रहा है तो उतना आपको अकेले में कम मेहनत, ठीक है. हाँ, योर एंड योर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकेंड वाला योर है, दैट इज यू प्लस ए आर ई. जैसे दिस इज दे प्लस ए आर ई, वैसे दिस इज यू प्लस ए आर ई, ठीक है. योर अगेन, जैसे देर टी एच ई आई आर देर पोजेशन दिखाता था, वैसे योर फिर से पोजेशन दिखाता है, राइट. दिस इज योर बुक. वेयर इज योर प्रिंट आउट? ऐसे जब मैं पूछती हूँ, तुम्हारा पोजेशन दिखा रही हूं मैं. एंड वाई ओ यू आर ई, योर जब मैं बोलती हूँ तब मैं इशू को बोल रही हूँ. योर वेरी टॉकेटिव, यानी कि वो जो है बात करने की क्रिया बहुत ज्यादा करती है, राइट. तो वो करती है क्रिया, ये बताने के लिए मैं यू और आर का इस्तेमाल करती हूँ और उसे क्लब करती हूँ योर में, राइट. ये देखिए, योर इज अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन. आई हैव नेवर बीन टू योर हाउस, तुम्हारे घर में मैं कभी गई नहीं हूँ. योर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स यू एंड आर. योर इन्वाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक. ओके, जो अगले हफ्ते मेरा बर्थडे पार्टी होने वाला है उसके लिए आप इन्वाइटेड हो. इन्वाइटेड होने की क्रिया आपके साथ हुई है, इसलिए यू और आर इस्तेमाल किया गया है या क्लब करके योर इस्तेमाल किया गया है. आर वी गुड? बहुत ही ऐसे बेसिक में जाके एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या? अच्छा लग रहा है क्या? ओके फाइन. हाँ ये देखो, हाँ आ जाओ. मैं बर्थडे पार्टी को बहुत टाइम है, मार्च में मैं बर्थडे, मेरे ख्याल से दुष्यंत सर का भी मार्च में है ना. ओके आई डोंट नो, आई डोंट नो. ओके फाइन. एनीवे, स्पीकिंग ऑफ होमोफोन्स, लेट्स फिनिश दिस ऑफ. आर एंड आर, पहला वाला जो आर है, एच ओ यू आर आर, वहां पे एच जो है वो साइलेंट है. मैम ये साइलेंट है तो वहां पे डाला क्यों है? क्योंकि इंग्लिश ना हमारे रीजनल लैंग्वेजेस के इतना इवॉल्व नहीं है. इट डजेंट एडहियर टू रूल्स ऑफ फोनोलॉजी. डजेंट एडहियर टू रूल्स ऑफ फोनोलॉजी यानी कि क्या? मराठी में दे, हिंदी में हम जैसे बोलते हैं हम बिल्कुल वैसे लिखते हैं, राइट. लेकिन इंग्लिश ने क्या किया है? फ्रेंच से कुछ वर्ड्स उठाए, जर्मन से कुछ वर्ड्स उठाए. हेल यार, उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को नहीं छोड़ा. तमिल में जो वर्ड है कैशू, काशु, ठीक है, इट बेसिकली मीन्स मनी. दे जस्ट टुक इट एंड मेड इट कैश एंड दे आर लाइक वी आर गोना यूज कैश हियर आफ्टर टू रेफर टू मनी, राइट. सो एक्चुअली दैट्स अ तमिल वर्ड कैश, इट्स काश, बट दे मेड इट कैश. उनको अ उ करने नहीं आ रहा था. फाइन, व्हाटएवर. सो दैट्स व्हाई वी हैव सच लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोनंसिएशन बट दे एग्जिस्ट. ओके, सो एच इज साइलेंट ओवर देयर, वी जस्ट कॉल इट आर, एंड द अदर वर्ड इज ऑल्सो आर, बट द फर्स्ट वन मीन्स घंटा, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, राइट. एंड द सेकेंड वन मीन्स हमारा, राइट. The appointment at the dentist will take about 1 hour. एक घंटा लगेगा. Our house was built 20 years ago. हमारा घर, right? 20 साल पहले बना था. Next one देखो. Bye. Don't go. Be here. हाँ. So the first one is किसी को farewell कहना. And the second one bye is this lecture is being taken by Ashwati Nair. Okay? तो किसके तरफ से? That is the second bye. Are you leaving already? Yes, I need to catch the train. Bye. Okay? So that is किसी से अलविदा लेना, to say farewell. What is the second one? You need to be in class by 1 p.m. at the latest. 1 बजे तक क्लास में आ जाना. तो वो जो तक है वो by bye है. Are we good? Do you understand? Hey Ramrang, hi. हाँ क्या? कसं मन जुळेलीत ना आपली रामराम? वेन ओ अभिनव वॉन्ट्स एकदम टू द पॉइंट डिटेल्स, आय लेट यू नो समटाइम. ओके, एक्झाम्पल्स ऑफ
homophones in a sentence are being given. Let's look at these four examples. I drove down the windy road on a windy day. Okay, so what is windy road on a windy day? One windy, the first one, means that road was going aise round, 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 round. Wind karna jo hai na, sorry. पता नहीं अभी मेरे सामने नहीं है ना प्रिंट आउट इसलिए नहीं है क्या ये प्रिंट आउट में बाय तक ही है क्या? ठीक है, ये वाला स्लाइड रह गया होगा, मैं ये ऐड करके पीडीएफ फिर से सेंड करती हूँ आपको, ठीक है? ये एक पेज का प्रिंटआउट आप बाद में निकाल के आपके एग्जिस्टिंग प्रिंटआउट को ऐड कर दीजिए, ठीक है? आई एम सो सॉरी, ये मैं ऐड करती हूँ, ठीक है? हाँ, लेट मी हैव योर एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अटेंशन, लेट्स डू दीज फोर एंड मूव ऑन, ओके? आई ड्रोव डाउन द वाइंडी रोड ऑन अ विंडी डे. वाइंडी रोड यानी कि क्या? गोल गोल, क्योंकि वो अलार्म क्लॉक हम वाइंड करते हैं ना, तो गोल गोल करते हैं ना, तो वहां से वो एडजेक्टिव को ये मीनिंग आया है, ठीक है? सो वाइंडी रोड ऑन अ विंडी डे. विंडी यानी कि क्या? बहुत ज्यादा हवा बह रही थी, ठीक है? इट्स अ विंडी डे, बहुत जोर की हवा बह रही है. तो एक है वाइंडी और दूसरा है विंडी, बहुत ज्यादा हवा. ओके, शी विल रीड द बुक दैट हर ओल्डर सिस्टर रेड लास्ट ईयर. ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, रीड प्रेजेंट टेंस, रेड पास्ट टेंस. एक ही वर्ड है, उसके दो अलग अलग फॉर्म है, लेकिन सेम स्पेलिंग है, राइट? और सेम प्रोनंसिएशन. आई लाइक टू प्रेजेंट यू विद अ बर्थडे प्रेजेंट, ठीक है? तो टू प्रेजेंट इज टू गिव एंड अनदर प्रेजेंट इज गिफ्ट. आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड द रिकॉर्ड ऑन माई डिवाइस. ओके, तो पहला वाला रिकॉर्ड क्या है? I wanted to record, यानी कि क्या? क्रिया करना, record करना, ठीक है? The record यानी कि क्या? जो cassette play होता है, उस cassette को refer कर रहे हैं वो. Are we good? हाँ. All good, समझ में आया आपको? तो homonyms जो है, उनका एक sub type है homophone. Homophone और homonym में काफी similarities है. क्यों? क्योंकि homonym का ही एक छोटा सा हिस्सा है homo. फोन. इसी तरीके से हम होमोग्राफ भी देखेंगे, ठीक है? उससे पहले आप ये सॉल्व कीजिए प्लीज. 20 वाक्य है, सॉल्व करो फटाफट. और तुम 360 डिग्री घूमना अलाउड नहीं है तुम्हें, ठीक है? स्टैचू फटाफट खत्म करो. ट्वेंटी सेंटेंसेस है, फटाफट करो. बच्चों जो लाइव में हो, आपका जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डालो. पांच पांच हो गए, पांच पांच डालो टाइप करके लाइव में, ठीक है ना? ताकि मुझे भी अपडेटेड रहेगा. वर्ड वेब करके एक एप्लीकेशन है बच्चों, डिक्शनरी एप्लीकेशन है, बहुत यूजफुल है. अगर आपके पास और कोई डिक्शनरी एप्लीकेशन नहीं है और आप कंसिडर कर रहे हो एक डिक्शनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, प्लीज वर्ड वेब डाउनलोड कीजिए. ओके, इट विल बी यूजफुल फॉर यू इन सॉल्विंग दीज एक्सरसाइजेस एंड ऑल. क्या बात कर रहे हो? हो गया 20 है, सारे 20 हो गए. ओके,
but we started also really late today. So we have to finish homonyms. Only then we can go home. अरे तू तो बहुत भारी है रे ईशा. All done, cool Sakshi. Hey Avni, good job. Hi, mera Ram Rang solve kar raha hai. Sahi hai. Haan, usne answer dale dekho live chat mein. Haan, done. All done. Shall we discuss then? Okay, good. Let's proceed. I'm waiting for you guys only. I'm eager. It's easy, na? Yeah, we are good. Good. Oh my God, issue. Okay, हाँ. Can I go to the party? तो तीन तरह के two है. तीनों हमने discuss किया है. तो correct answer is TO two, not TWO two. गलत answer highlight हो गया है. Okay. Anyway, can I go to the party? The correct answer is TO2. Okay? TOO2 नहीं है. वो गलती से हाईलाइट हुआ है. टाइपो है स्लाइड पे. प्लीज आप वो इनकॉर्पोरेट मत करना. TO2 इज द करेक्ट आंसर. दिस इज माई फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स. वेट. PAIR. करेक्ट. PAIR पेयर इज द करेक्ट आंसर. बट वी विल टेक अ मोमेंट एंड वी विल फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द अदर टू वर्ड्स एज वेल. ठीक है. PAIR पेयर यानी कि क्या? जोड़ी. ठीक है. हाँ, जोड़ी. PAREE पेयर यानी कि किसी चीज में कमी होना. ठीक है. ये प्लीज आप आपके प्रिंट आउट में लिख के रखिए ताकि अगर ये वर्ड एग्जाम में आया तो आपको मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए. आपका वोकैबुलरी बढ़ रहा है ना. PAREE पेयर यानी कि किसी चीज की कमी होना. और PEAR पेयर यानी कि जो फ्रूट होता है पेयर उसकी बात कर रहे हैं वो. ओके. So the correct answer is PAIR pair, which I know all of you got it right. But I just wanted to tell you the meaning of the other words as well. I dash a letter to my aunt in Vietnam. S-E-N-T scent is the correct answer. S-C-E-N-T scent yani ki perfume. Okay? And C-E-N-T scent yani ki coin. ठीक है? या फिर century का scent. वो है वो. The children got dash during the lecture. ये मेरे लेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ, पहले ही बता देती हूँ. द चिल्ड्रन गॉट BOREED बोर्ड यानी कि बोर होना. ठीक है. एंड BORD बोर्ड कौन सा है? टू बोर्ड अ ट्रेन, टू बोर्ड अ बस, उस पे चढ़ना. बोर्डिंग स्कूल में होना, वहां जाके रहने की क्रिया कर रहे हो तुम. ठीक है. तो दैट इज BORD बोर्ड. आर वी गुड? ओके. मिस्टर एंड मिसेस रॉड्रिगेस लाइक टू वर्क इन डैश गार्डन. देयर गार्डन, उनका गार्डन. THEIR देयर. राइट. आई होप एवरीवन्स गेटिंग दिस राइट. देखो कैसे है ना, तुम लोग ऑनलाइन भी हो ना तो मुझे पता नहीं है ना कि कौन किस लेवल पे, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही क्लैरिफिकेशन देती हूँ कुछ जगहों पे. जस्ट बेयर विद मी. ओके. आर वी गुड? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रही हूँ? हाँ. ओके. ओके, गुड अतुल, फेयर इनफ. हाँ. एलेक इज गोइंग टू वेयर हिज वर्क बूट्स टुडे. तो यहाँ पे दो वेयर है. एक है WEAR वेयर यानी कि पहनना, और दूसरा WAREE वेयर है यानी कि वेयर एंड नहीं सॉरी WAREE वेयर का क्या मीनिंग है? WAREE वेयर इज आई थिंक वेयर एंड टेयर वाला वेयर. ओ नो, आई एम सो सॉरी. WAREE वेयर का मतलब
इधर से आता है अपना जो होता है ना सिल्वर वेयर वगैरह, जो दिवाली के टाइम पे खास तुम निकालते हो उसमें खाना खाने के लिए, जो कुक वेयर होता है जिसमें तुम खाना बनाते हो, तो वो सिल्वर वेयर कुक वेयर के साथ जो WAR आता है वो वेयर है वो, ठीक है। हाँ, और दूसरा WEAR वेयर, यानी कि पहनने की क्रिया करना, या फिर वेयर एंड टेयर होना, दैट इज ऑल्सो WEAR वेयर, ठीक है। वेयर एंड टेयर होना यानी कि घिस जाना, पुराना हो जाना, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन में WEAR वेयर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है WEAR वेयर। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून, ठीक है, ध्यान दो। REIN रेन यानी कि कंट्रोल करना, RAIN रेन यानी कि बरसात होना, REIGN रेन यानी कि उसका रूल होना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून, करेक्ट आंसर क्या होगा, RAIN, गुड जॉब। आई सॉ अ रेस्टोरेंट जस्ट ऑफ द डैश अबाउट अ माइल बैक। ROD, रोड यानी कि सवारी करना, फिर वो गाड़ी की सवारी हो सकती है, घोड़े की सवारी हो सकती है, व्हाटएवर। दूसरा है रास्ता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रास्ता, ROAD रोड। थर्ड देखिए, डेविड्स ब्रदर इज इन अ डैश विच प्लेज रशियन म्यूजिक। दो शब्द है यहाँ पे, एक है बैंड, बैंड यानी कि क्या, जो म्यूजिकल बैंड है वो बैंड, और दूसरा बैन होना यानी कि किसी चीज को प्रोहिबिट किया जाना, किसी चीज को, चीज का इस्तेमाल बंद करना, यानी कि ड्रग्स का यूज जो है वो बैंड है, वो वाला बैंड है वो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है BAND, बैंड, म्यूजिक ग्रुप, ओके। युआना वॉन्ट्स हर सॉक्स बिकॉज हर डैश आर कोल्ड। टोज, TOWS, टोज, वो एक क्रियापद है जो आपका गाड़ी टो हो जाता है, अगर आपने सही जगह पे गाड़ी पार्क नहीं किया है तो वो आपके टो करके लेके जाते हैं ना गाड़ी को, दैट इज टोइंग द व्हीकल। गाड़ी रस्ते के बीच में बंद कर पाई, कार है आपकी, तो आपको किसी को बुलाना पड़ेगा उस गाड़ी को टो करके लेके जाने के लिए, दैट इज TOW टो। एंड TOES टोज आर आपके जो पैर की उंगलियां है वो, ठीक है। पैर की उंगलियों को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ तो ऐसे ही, मतलब टोज ऐसे कोई सिंगुलर वर्ड नहीं है क्या उनके लिए, पैर की उंगलियां, और ये सिर्फ उंगलियां। ओ माय गॉड, हिंदी इज अ फनी लैंग्वेज, ओके फेयर इनफ, सो इज इंग्लिश। अंगूठा इज दिस, सॉरी, ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ हिंदी, लेट्स कम बैक टू इंग्लिश, राइट। द टीचर वॉक डाउन द आइल बिटवीन द रोज ऑफ द डेस्क। आइल यानी कि क्या, जो रोज के बीच में जगह है उसे आइल कहते हैं। दूसरा है ISLE, आइल यानी कि क्या, आइलैंड। दिस इज इंटरेस्टिंग, प्लीज रिमेम्बर दिस, ISLE, आइल यानी कि आइलैंड, ठीक है। हादिल हैज अ पेन इन हर शोल्डर, दो पेन है, PANE पेन यानी कि विंडो पेन, ठीक है, जो मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है ये पेन है, PANE पेन, और दूसरा PAIN पेन यानी कि दर्द होना किसी प्रकार का, ओके। नेक्स्ट देखिए, द स्कूल डैश स्पोक टू अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स। दो प्रिंसिपल है यहाँ पे, PRINCIPAL प्रिंसिपल यानी कि जो अध्यक्ष है, और दूसरा है PRINCIPLE प्रिंसिपल यानी कि जो अकाउंट्स के तुम्हारे प्रिंसिपल है। तीन प्रिंसिपल है, चार है ना मेरे ख्याल से, तीन है या चार है, अकाउंट्स के प्रिंसिपल चार है ना, हाँ चार है, जिन्हें आप लर्न करते हो, जिनके बेसिस पे आप डेबिट क्रेडिट करते हो, वो प्रिंसिपल्स। साइंस के जो अलग अलग प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल्स, ओके, दैट इज PRINCIPLE। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में बहुत लोग गलती करते हैं, आज के बाद आप लोगों ने गलती नहीं करना है, आर वी गुड, डू यू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट देखो, द क्लर्क वॉन्ट्स टू डैश एज मेनी टीवीज एज पॉसिबल। एक है सेल, दूसरा है सेल, ये तो सबको करेक्ट आया होगा। पहला वाला SELL सेल यानी कि बेचना, दूसरा वाला मोबाइल फोन, ठीक है, CELL सेल यानी कि मोबाइल फोन। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द पास्ट एनी मोर। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है PASSED पास्ट, जो आप सब होने वाले हो,
एग्जाम के बाद, और दूसरा है पीएएसटी पास्ट यानी कि भूतकाल, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज पीएएसटी पास्ट। नोबडी डैश व्हाट यू आर थिंकिंग नोज एंड नोज, ओके। के एन ओ डब्ल्यू एज नोज यानी कि किसी चीज के बारे में मालूम होना, और दूसरा एन ओ एज नोज यानी कि नाक, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है के एन ओ डब्ल्यू एज नोज। आई हैव डैश डॉलर्स इन माई पॉकेट फॉर यानी कि किसी के लिए, दूसरा फोर यानी कि चार, और तीसरा फोर यानी कि जो हमारे फोर फादर्स है यानी कि जो हमारे पहले आए हैं, ठीक है। किसी चीज को फॉरवर्ड करना यानी कि ये स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी के जो किरदार है उनके पास्ट के बारे में जब आपको बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो दैट्स फोर, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है एफ ओ यू आर फोर, ठीक है। आई नीड टू टेक अ डैश फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, बी आर ए के ब्रेक यानी कि ब्रेक लेना, और दूसरा बी आर ए के ब्रेक यानी कि गाड़ी का जो ब्रेक आप लगाते हो, ठीक है। हाँ, हियर द राइट आंसर इज बी आर ए के ब्रेक। ह्यूमंस हैव हैंड्स, एनिमल्स हैव पॉज, दिस इज इंटरेस्टिंग ना। एक है पी ए डब्ल्यू एस पॉज यानी कि जो जानवर होते हैं उनके हाथ पैर के जो इम्प्रिंट्स आते हैं वो, और दूसरा जो है पी ए यू एस ई पॉज यानी कि ब्रेक लेना, रुकना, या गुड। तो हियर द करेक्ट आंसर इज पी ए डब्ल्यू एस पॉज। Dash be here in a few minutes. Heal, heal and heal. Heal, the first one is he plus will. Okay? The second one, heal, H-E-E-L, heal, यानी कि जो तुम्हारी एरिया है वो, ठीक है, उस पर क्रैक क्रीम लगाते हो तुम विंटर्स में, दैट हील, जो जूते की हील होती है लड़कियों की, हील, ओके। एंड लास्टली H-E-A-L, heal, यानी कि तुम्हें कहीं चोट लगी है और तुम्हारी हालत बेहतर हो रही है, ठीक है, जो सुधर रही है तुम्हारी हालत, दैट इज टू हील, ठीक है। सो दैट इज एच ई ए एल, हील। हियर द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, ही प्लस विल बी हियर इन अ फ्यू मिनट्स। आर वी गुड? सो आर वी क्लियर विथ होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स? ऑल गुड? ऑल गुड गाइज? ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू टुमारो फॉर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड रिमेनिंग ग्रामर टॉपिक्स। वी हैव हेल लॉट ऑफ ग्रामर टॉपिक्स, let's see how much ground we are able to cover tomorrow, but we'll definitely finish comprehension skills, which is one hell of a chapter as far as your examination is concerned. So let's do that tomorrow, okay, and let's aim to finish grammar, let's see how far we get, okay, but comprehension skills we'll do, that's very important, okay. So I'll see you tomorrow, thank you so much for watching my lecture. If you like my lecture, please like my lecture, and if you want to share it with your friends, please feel free to. Thank you so much. Yeah, please subscribe so that when I come live, you can see me. I know, Ramrang, it's a Sunday, but we have to finish the syllabus by 6th. I'm going to try my level best to take a class. I'm going to try my level best. No, I will... kal ki notes aa jayenge na tumhare mobile pe. Jo printout aapko lene hai, wo to aa jayenge. Wo aa gaye to pakka class hai. आ जाएंगे मेरे बने हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, तो एक क्लास तो फिक्स है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। मैं आज घर पहुंचते से ही तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे रात को ही उसका आ जाएगा नोट्स, ठीक है। ग्रामर जो है वो आज का ही हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमें खत्म करना ही है। इसके अलावा जो कल का जो प्रिंट आउट है वो मैं कल सुबह 11 बजे तक डालती हूँ, ठीक है। हाँ, तो वो तुम लंच ब्रेक जो होगा ना 1 to 2 उसके बीच में प्रिंट आउट निकाल लेना उसका। आई एम गोइंग टू ट्राई टू टेक 11 to 1 एंड 2 to 4 ऐसे, लंच के पहले लंच के बाद, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली 4 घंटा नहीं होगा तुम्हें भी, ठीक है। आर वी गुड? ओके, बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर माई लेक्चर। हाँ रामरंग, मी आताच जस्ट वेळ सांगितलं, ओके गाईज, आय एंड द स्ट्रीम, थँक्यू सो मच फॉर बीइंग हियर।